अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका और क्या हो रहा था? हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम बकरा मंडी जा रहे हैं और मौसम देखें आप कितना ज़बरदस्त हो रहा है, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं और हवा भी बड़ी अच्छी थी, ठंडी ठंडी थी, वरना यहाँ पे अमूमन लू होती है। जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हमें लग रहा था जैसे पाकिस्तान वाला रश होता है वो होगा, मगर अंदर जब गए तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ये रश सिर्फ बाहर की तरफ था, अंदर की तरफ नहीं था। अंदर तो पूरा बड़ा प्रॉपर बना हुआ है, ये यहाँ से जो है ये स्टार्ट हो गया है। इसमें सब बकरे थे, यहाँ पे गाय नहीं थी, और यहाँ पे जो है ऊँट भी नज़र नहीं आए थे, आखिर में तीन ऊँट नज़र आए थे, क्योंकि ये सिर्फ बकरों की थी। और ऊँट के लिए जो होते हैं मजरे होते हैं, वहाँ पे हम जाते थे, मगर इस बार हमें टाइम शॉर्ट था, नहीं जा सके थे, तो यहाँ पे हमें ऊँट नहीं मिले। ये देखिए कितनी अच्छी साफ़ सुथरी बनी हुई है, कोई गंदगी नहीं है यहाँ पर। इन सब में यहाँ पे बकरे अंदर बंधे हुए तो नहीं थे, यानी बस पैक हुए हुए थे, बाहर से वो कुंडी वगैरह लगाई हुई थी, और ये अंदर ऐसे ही सब घूम फिर रहे थे बकरे। ये सोडानी बकरे थे और ये वाले ब्लैक में जो हैं ये दूसरे थे। ये सोडानी बकरों में यह होता है, इनकी दुम बहुत बड़ी होती है, अमूमन ज़मीन को टच कर रही होती है, देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े तगड़े तगड़े से होते हैं। बच्चों के शौक़ को पूरा करने के लिए एक दो दिन पहले गए थे, क्योंकि हमारे पास जगह का इशू था, तो हम लेना नहीं था, हमें बस ये था मिल गया तो फिर ले लेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि बांधना कहाँ पर है, मगर हमें अच्छा तो लगा, फिर भी हमने नहीं लिया था। हमें इस टाइप वाले चाहिए थे जो वाइट नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह का। और अभी ये पहला वाला पोर्शन था जहाँ पे मतलब हम पहली शॉप समझ लें, क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको, बहरहाल बकरे को तो यहाँ पर तेस कहते हैं, तेस ये और सीन तेस अरबी में। और ये दूसरा वाला था, यहाँ पे हम गए थे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे दुम्बे थे, बकरे थे, और यहाँ पे हमें एक पसंद आया था इनमें से, और ये वही सोडानी वाले थे, सोडानी भी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। अच्छा, दुम्बों की जो प्राइस थी वो 1300-1500 से स्टार्ट हो रही थी, और ज़ाहिर साइज़ के हिसाब से थे, 1800 का था, 2000 तक जाती है उनकी प्राइस, और अच्छे तगड़े वाले भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं देखने में। यहाँ पे हम ये करते हैं कि जो बकरा पसंद आया, जो भी जानवर पसंद आया, उसको कान से पकड़ा, बाहर निकाला, सौदा किया, और बिल्कुल सामने गाड़ी खड़ी होती है, क्योंकि आपने अंदर देख लिया गाड़ी कि किस तरह से जगह है, बस वो उठाया और अपनी डिग्गी में डाला और बस घर लेकर आ गए। अच्छा, यहाँ पे जो है बकरों की जो कीमत थी
वो उन्होंने इस तरह किया था कि पोर्शन अलग अलग किए हुए थे, उन्होंने एक साइज़ के बकरे एक साइड पे कर दिए थे और थोड़े से जो बड़े थे वो अलग पोर्शन उनका बना दिया था। 700 से स्टार्ट था, 800 का था, 900 का था, 1000 का था। अब वो साइज़ पे डिपेंड करता है, आप अंदर जाएं कोई सा भी पकड़ें फिर ख़रीद लें उसको, 150 का वो मार्जिन होता है उसमें। और फिर इसके बाद हम कोयला मार्केट गए थे, वहाँ से हमें मुड्डी लेनी थी और मुड्डी लेके बस हम फिर वापस आ गए थे। और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।